हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 9 डाटा के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, डाटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम डाटा को हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन है तो इसको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग या कोई भी चार्ट बनाकर इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा में आपके तीन चीज होती है, एक तो टैली होता है, एक होता है बार ग्राफ जो बोलते हैं आप, और एक होता है पिक्टोग्राफ। ठीक है, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ तीनों किस तरह से होते हैं। हम टैली करते हैं, टैली काउंट करके टैली कैसे करेंगे, तो आपकी जो बुक है देखिए इसमें ये इसके तीन मेथड होते हैं, है ना। अब टैली कैसे करेंगे तो देखो, आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है इसमें टैली मार्क्स का। तो देखिए, जैसे एक आपको ऐसे को बना दिया, एक बॉक्स बना के इसमें आपको बता दिया है, देखिए है ना। इसमें यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, ये एक बॉक्स है इसमें, यहाँ पर अब ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ आपको दे दिए, यहाँ आपको जैसे वीकर्स दे दिए हैं, यहाँ पर आपको टैली मार्क करना है। ये आपकी बुक में है, ये इसमें से समझा रही हूँ, और नंबर ऑफ वीकर्स, अब ये नंबर ऑफ वीकर्स, ठीक है। वीकर्स नाम है आपके, देखो एक मोटरसाइकिल है मान लो, दूसरा जीप दे रखी है, कार दे रखी है, और एक और लिख रखा है बस, ठीक है। आपके बस के बुक के अकॉर्डिंग लिख देती हूँ मैं, मोटरसाइकिल 14 है, 7 आपकी जीप है, 3 आपके बस हैं, और 11 कार है, ठीक है। अब इनको हमें टैली कैसे करना है, ये 14 है मोटरसाइकिल, तो देखिए आपको मैं बताती हूँ, जैसे 1 2 3 4, 4 के बाद 5 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये रॉन्ग माना जाता है। इसको आपको 5 को यहाँ से ले जाके इस तरह से कर देना है, तो 5 बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5। इसी तरह 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 4 तो कर सकते हैं, लेकिन 5 करने पर आपको एक आड़ी लाइन करनी पड़ेगी इधर से। अब 7 है, इसी तरह से देखो 1 2 3 4 5 और 6 7, ये होता है टैली। या 3 बस है तो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ 11 है तो इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 11। इस तरह से आपको यदि दे देता है, अब आपसे पूछे क्वेश्चंस कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा व्हीकल्स कर रहे हैं, तो हमें अपने आप पता लग रहा है कि ये 14 नंबर जो है, 14 यानी मोटरसाइकिल सबसे इसमें ज्यादा है। मैक्सिमम व्हीकल्स किसमें, मोटरसाइकिल है। सबसे लीस्ट व्हीकल कौन सा दिखाई दे रहा है, बस, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसी में ही कि आपके टोटल व्हीकल्स कितने हैं, तो इन सबको टोटल कर दीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो लीस्ट, सबसे लीस्ट कौन सा है, 3, और सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 14। तो इस तरह से आपको आंसर देने हैं। ये आपका टैली मार्क्स होता है, इसी को हम बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को देखो बार में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये टैली हो गया आपका। और देखो ये टैली में एक चीज और है, देखिए बच्चों कि आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अब आपसे पूछेगा ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख लीजिए 5 10 11 12, तो इस तरह से आप 12 उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको नंबर आ जाए, ये दे दिया, ये दे दिया, तो 5 आपको बताइए, 5 6 7, तो ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप टैली कर सकते हैं। अब आते हैं बार, बार ग्राफ जो होता है आपका, उसमें ग्राफ आता है बार में, तो देखो इसी को मैं बता देती हूँ आपको। इस तरह से बार ग्राफ होता है, आपने आपके पास ग्राफ होगा,
यहाँ हम जीरो लिखते हैं, यहाँ एक्स करते हैं एक्सेस, यहाँ बाई कर देते हैं, ठीक है। हम इसी को कर सकते हैं, हमारे पास क्या है मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल लिख दी, थोड़ा गैप दे दीजिए, फिर जीप थी, जीप लिख दिया, फिर इसमें क्या था बस, वो फिर क्या था कार। अब देखिए यहाँ अपन लिख सकते हैं व्हीकल्स, व्हीकल्स, ठीक है, और यहाँ अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, इस तरह से आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स लिख सकते हैं। इससे लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि इसमें पता लग जाएगा टीचर को कि ये क्या बता रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, इसके स्केल मान लें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 व्हीकल, ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास मोटरसाइकिल, हम यहाँ से 14 है, तो हम यहाँ पर देखो आपके बॉक्स बने होते हैं आपके ग्राफ में, तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, इस तरह से आपके ये है। तो हम आपको ये बता रहे हैं किस तरह से है, देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ ऊपर का, तो आपको बता दिया मैंने, यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 व्हीकल्स लिख सकते हैं, ये जरूरी होता है जिससे पता लग जाए। तो मोटरसाइकिल कितनी थी हमारी 14, तो देखिए यहाँ 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस तरह से आपको एक स्केल की सहायता से इसको कंप्लीट कर देना है। जीप कितनी थी आपकी 7, तो 7 कहाँ गया, ये 7 है, तो 7 को आपको जीप से इस तरह से कर देना है। बस कितनी थी 3, तो स्केल लेना है, स्केल से 3 था, यहाँ लिख भी सकते हो ये 14, ये 7 और यहाँ बस थी अपनी 3, तो 3 इस तरह से ये 3 हो गया, और फिर हमारी कार थी 11, तो ये 11 पर 11 आ जाएगा कार पर, ठीक है, तो ये हमारा कार पे आ जाएगा। ये आपको स्केल की सहायता से करना है जिससे आपका गलत ना हो। इसी तरह से हम आपको बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से हम डाटा को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो ये हमने क्या करा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा था, वो हमने टेलीमास्क करके दिखाया था, अब हम आपको आते हैं पिक्टोग्राफ पर, पिक्चर बना के हम आपको बताएं, पिक यानी पिक्चर, जो जिसमें सैंपल दिए होते हैं कि एक से 1 सैंपल कितना होता है, इस तरह से देखो आपकी बुक में ही है कई एग्जांपल, उसका ही मैं आपको एक पिक्चर बता देती हूँ। देखिए ये है आपका स्पोर्ट्स वाला है, देखिए इसमें आपको दिया है एक सैंपल बना दिया इस तरह का, और 1 सैंपल बराबर 10 स्टूडेंट्स दे दिए, 10 चिल्ड्रन दे दिए, ठीक है, कितने दे दिए 10 चिल्ड्रन, ओके, तो ये आपके 10 चिल्ड्रन दे दिए हैं आपको। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये मैं यहाँ स्पोर्ट्स के नाम लिख रही हूं, और यहां पर आपका आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक सैंपल्स बना दिया है आपको जिसमें दिया है कि बराबर 10 चिल्ड्रन, ठीक है, ये देखिए आपके दे रखा है। अब यहाँ आता है क्रिकेट, CRICKET, स्पोर्ट्स के नेम है क्रिकेट, फिर है आपके हॉकी, फिर है आपके फुटबॉल, उसके बाद आपका बेसबॉल, उसके बाद है आपका बास्केटबॉल, ठीक है। अब आपके देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्रिकेट में आपको इसमें 6 सैंपल्स बना है, ठीक है, हॉकी में 3 बनाए हैं,
इसमें फाइव है फुटबॉल में। बेसबॉल में टू है और बास्केटबॉल में फोर है। ठीक है, अब हमें इसकी करना है, इसको किस तरह से करेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें पता है कि वन से बॉल टेन है, तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 60 चिल्ड्रन हो गए इसमें, यानी क्रिकेट में 60। इसमें 3 × 10 करेंगे, 30 चिल्ड्रन हो गए इसमें। ठीक है, फुटबॉल में हो गए 5, 5 × 10 करेंगे, यानी 50 चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, इसमें 2 × 10 करेंगे, यानी 20 बच्चे हैं इस वाले गेम में। और बास्केटबॉल में 4 × 10 यानी 40 चिल्ड्रन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस इसमें आपको इस तरह से आपको एक सैंपल बना के दे देते हैं, लेकिन ये आपको पता लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप कर लोगे तो आपको फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स चिल्ड्रन लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन से स्पोर्ट्स को बच्चे पसंद करते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा किसमें, देखो ये 40 है 20 है 50 है 30 है ये 60 है, इसका मतलब क्रिकेट को सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, क्रिकेट। तो पहले का आंसर हो गया आपका क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। देखो अब सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स है, क्रिकेट, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्ले खेलते कौन से क्रिकेट, कौन से उसको है, तो 60। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, यानी कितने बच्चे क्रिकेट खेलते, तो अपन लिखेंगे सेकंड में 60 बच्चे, 60 चिल्ड्रन। अब दिया, विच गेम इज नॉट मच पॉपुलर इन द स्कूल, कौन सा गेम पॉपुलर नहीं है स्कूल में, सबसे कम पॉपुलर है, तो इसमें लिख देंगे बेसबॉल, क्योंकि तो इसमें 20 स्टूडेंट्स ही है। ठीक है, अब आया हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन प्ले बेसबॉल देन हॉकी, हॉकी में कितने हैं, देखो 30, बेसबॉल में कितने हैं 20। अब इसमें गिरा कितने अधिक बच्चे खेलते हैं बेसबॉल को देन हॉकी के, अराउंड 10 बच्चे, कितने बच्चे, 10 बच्चे जो है कि 20 30 में से 20 माइनस कर देना। चिल्ड्रन प्ले खेलते हैं बेसबॉल देन हॉकी के अलावा, तो 10 बच्चे ज्यादा खेलते हैं इसमें हॉकी को बेसबॉल की अपेक्षा। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये तीन होते हैं, टैली, बार एंड पिक्टोग्राफ। ये पिक्चर की तरह है, इसमें एक सैम्बल बने होते हैं, उसको सैम्बल्स को हमारे यहाँ पर है, कोई भी सैम्बल आ सकता है आपको, स्टार भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, एक्स वाई जेड ऐसे बॉक्स बने आ सकते हैं, कभी आपकी बुक्स में तो शायद एनिमल्स भी बने हैं, लेकिन आप एनिमल्स तो नहीं बना सकते, तो इस तरह से कोई भी सिंबल्स बना के अपन उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी आपका इतना काफी है, इसके एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।